नमस्कार, स्वागत करती हूँ मैं एस्ट्रो पूर्णिमा आप सभी का साधना एस्ट्रो में। मैं आज जो वीडियो बनाने जा रही हूँ वो हर एक के लिए फ़ायदेमंद है जिसकी शादी नहीं हो रही है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी शादी की जितनी भी रिश्ते आते हैं वो कहीं ना कहीं से कट जाते हैं, कोई उपाय काम नहीं आ रहा। बहुत परेशान हैं आप, रिश्ते आते हैं आपके घर पर लेकिन बात नहीं बन रही है। लड़की पसंद नहीं आती या लड़का पसंद नहीं आता या लड़का काम पसंद नहीं आता या परिवार पसंद नहीं आता, इस तरह की समस्याओं का जो कारण होता है वो गुरु ग्रह होता है। गुरु की आज मैं कुछ ऐसे रेमेडीज़ बताने जा रही हूँ जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस महसूस करेंगे, आपके काम बनते नज़र आएंगे, आपको रिश्ते बनते नज़र आएंगे। शादी नहीं हो रही है तो शादी होता हुआ भी आपको नज़र आएगा, आप महसूस कर पाएंगे कि कल तक जितने ज़्यादा परेशान थे, विवाह को लेकर परेशान थे, वो सारे काम बन जाते हैं। पहली चीज़ तो मैं ये बता दूँ कि जिन भी लोगों की शादी नहीं हो रही है, पहली चीज़ उनका मंगल आपको देखना पड़ता है। अगर मंगल ग्रह सही है, बच्चे अगर या लड़के या लड़कियां जो है अगर वो मांगलिक नहीं हैं तो फिर ये उपाय बहुत ज़्यादा जल्दी काम आने वाले हैं। और अगर वो मांगलिक हैं तो मांगलिक दोष निवारण यंत्र जो होता है वो मेरे पास से अवेलेबल है। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे दिए हुए इस नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। इसका हल मैं गारंटी के साथ देती हूँ, उपाय मैं बताती हूँ। चलिए आज गुरु ग्रह को ठीक करते हैं। कैसे करना है आपको? जिन भी लड़कों की या लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, अगर लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा दिन से परेशान है, किसी न किसी वजह से रिश्ता टूट जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है, येलो कलर का यूज़ बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। येलो कलर का हाथ में बैंड पहने, येलो कलर की ड्रेसेस पहनना चालू कर दें, कुछ नहीं तो येलो कलर का हैंकी रखना शुरू कर दें। आप देखेंगे आपका शुक्र ग्रह जो है वो स्ट्रांग होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा हर बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें जो कि आपको मोबाइल में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा किताब भी मिलती है, विष्णु जी का सहस्र नाम का पाठ करने से भी शादी बहुत जल्दी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, गुरु ग्रह मजबूत होता है। थर्सडे वाले दिन उपवास रखने की कोशिश करें, शाम के वक्त एक समय का भोजन ही करें, विदाउट लहसुन प्याज, विदाउट नॉनवेज का ही भोजन करें। हल्दी के पानी से नहाने की कोशिश करें, सारा नहाना हो गया, आखिर में जो पानी है एक मग पानी में थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी डालें। हल्दी गुड़ अवेलेबल होता है मार्केट में, या फिर आप गोटा हल्दी लाकर उसको पीस के रेडी करके भी रख सकती हैं फ्रिज में, उसे जब चाहिए एवरी थर्सडे निकाल के यूज़ कर सकती हैं। हल्दी जो है वो एंटीबायोटिक भी है, आपके शारीरिक रंग को भी वो निखारेगा, उसके साथ आपके कील मुहासे भी दूर करेगा और गुरु ग्रह को भी अच्छा करने में लाभदायी है। हल्दी के पानी से नहाने के बाद जब नहाकर आप निकले, येलो कलर के ही कपड़े थर्सडे वाले दिन धारण करने की कोशिश करें। इसके अलावा येलो कलर का टीका लगाएं, टीका मतलब होता है तिलक करें, आपको हल्दी से ही तिलक करनी है। हल्दी और चंदन का एक पेस्ट तैयार करके रख लें, उसे एवरी थर्सडे यहाँ बीच में अनामिका उंगली से लगाएं। कि लड़के लड़कियाँ दोनों के लिए मैं उपाय बता रही हूँ, दोनों ही ये काम कर सकते हैं जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा, गुरु ग्रह स्ट्रांग होगा, शादी के प्रपोजल्स आना चालू हो जाएंगे, अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे जिसे आप नकार नहीं सकेंगे, सारी परेशानी आपकी दूर होगी। इसके अलावा क्या करना है आपको, केले का गांच, अगर आपके घर में केले का पौधा या पेड़ है तो उसमें जाके कच्चा दूध, थोड़ी सी मिश्री डालकर, थोड़ा सा हल्दी डालकर, ओम विष्णुआय नमः, ओम नारायणाय नमः कहकर आप उसमें डालकर चले आएँ। आप देखेंगे इससे भी आपका गुरु ग्रह स्ट्रांग होता है, पैसे तो आते ही हैं, शादी के योग भी बनते हैं। जिसकी शादी नहीं हो रही है उनकी शादी भी बनने शुरू हो जाएंगे, शादी होने शुरू हो जाएंगे, रिश्ते अच्छे आएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि जिस समस्या से आप जूझ रहे थे आप वहाँ से किस तरह से जल्दी जल्दी निकल कर चले आ रहे हैं। इन सारे उपायों को करके आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। कहीं से अगर करियर में भी कहीं ऑब्स्टिकल्स अगर आपके हुए होंगे, कहीं पर रुका हुआ धन भी अगर आपका होता है तो वो भी निकलने के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। और आपके लाइफ में जितनी भी परेशानियां थी, अगर रिलेटिव्स की वजह से आई होगी, कोई नेबर्स की वजह से अगर कोई परेशानी आई है तो वो भी टलना शुरू हो जाएगा। हर एक काम जो बिगड़ा हुआ है वो बनना शुरू हो जाएगा। इन कुछ उपायों को फॉलो करिए और मेरे इस चैनल को भी फॉलो करें, मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ दूँगी। और मुझसे पर्सनली संपर्क करने के लिए मेरा जो नंबर है उसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं टैरो रीडिंग भी करती हूँ, कुंडली भी देखती हूँ और हर तरह का प्रेडिक्शन मैं करती हूँ, तांत्रिक प्रयोग भी करती हूँ और नॉर्मल वैदिक प्रयोग भी करती हूँ। धन्यवाद।